के यूट्यूब चैनल से इमिग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इमिग्रेशन का चैप्टर चल रहा है, इसमें चैप्टर 8 है। तो अगला लेक्चर हम लेके आ रहे हैं समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ ज्ञात करना। पहले हम इसके पहले हमने लिया था वक्र कर्व की चाप की लंबाई, लंबाई के बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद हम इसका आयतन और वक्रपृष्ठ लेंगे। ये लास्ट पोर्शन है हमारा, ये लेक्चर 3 है। तो पहले हमें इसकी परिभाषा ले लें, परिभाषा के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा। यदि किसी वक्र खंड को किसी सरल रेखा के चारों तरफ घुमाया जाए तो वक्र खंड के प्रत्येक बिंदु की दूरी उस सरल रेखा से परिवर्तित रहे तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे परिभ्रमण ठोस कहते हैं, मतलब सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जिस वक्र को सरल रेखा के चारों ओर घुमाया जाता है उसे जनरेटिंग कर्व, तथा जिस सरल रेखा के चारों ओर घुमाया जाता है उसे एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो व्यवहारिक जीवन में कुछ ऐसे परिभ्रमण ठोस होते हैं, जैसे हो गया आपका गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, शंकु का छिन्नक हो गया, गोले का छिन्नक हो गया। छिन्नक मतलब क्या होता है, उसको काट दिया जाए। देखिए बेलन तो आपको पता ही है, आप मान चलिए कि इसे एक पेंट का जो डिब्बा होता है वो बेलन होता है। चलिए बारी बारी देख रहे हैं, गोला आप देखिए, देखिए वृत्त और गोला में अंतर है। जैसे क्रिकेट की बॉल है वो गोला होता है, किसी अर्धवृत्त को अगर चारों तरफ घुमा दिया जाए तो जो आकार बनता है गोला होता है। शंकु, आपने लट्टू देखा है तो लट्टू बिल्कुल शंकु है। बेलन जो पेंट का डिब्बा, जो गोला का डिब्बा होता है जिसके ऊपर का और नीचे का देखा जाए तो ऊपरी सतह का जो भी वृत्त हो नीचे का भी वृत्त हो और उसको चारों तरफ उसको जब घुमा दिया जाए तो बेलन का निर्माण होता है। शंकु का छिन्नक, छिन्नक मतलब शंकु का कटा हुआ भाग, जैसे कोई लट्टू है उसको आधे पर से काट दीजिए उसकी बात। गोले का छिन्नक, गोले का छिन्नक का मतलब क्या हुआ, गोले को आधे पर से काट दीजिए। और गोली खंड, किसी समतल द्वारा गोले का कटा हुआ भाग गोली खंड कहलाता है। तो ये परिभाषाएं हैं, कभी कभी ये दो नंबर में पूछ देता है गोले की परिभाषा दीजिए, तो आप गोला जानते हैं तो क्रिकेट का बाल है आपका गोला है, परिभाषा क्या होती है वो नहीं पता है। पूछ देता कभी कभी दो नंबर में शंकु क्या है, शंकु की परिभाषा दीजिए, बेलन की परिभाषा दीजिए, शंकु का छिन्नक की परिभाषा दीजिए, गोले के छिन्नक दीजिए, गोली खंड दीजिए। कभी कभी पूछ देता है कि गोला और गोली खंड में क्या अंतर है। तो चार परिभाषाएँ हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी परिभाषाएँ मिलती नहीं है भैया, मिलावट किताब में हो सकता है कि ना हो। तो चलिए अब हम डिस्कस इसके बारे में कर रहे थे, जो चैप्टर हमने लेक्चर शुरू किया है लेक्चर 3 आयतन तथा वक्रपृष्ठ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखिए आयतन मतलब वॉल्यूम को हम बी से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं वक्रपृष्ठ को। तो पहला पोर्शन है, पहला पॉइंट, यदि वाई बराबर एफ एक्स और ये एक्स अक्ष पे है जहाँ पे एक्स जिसकी लिमिट है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी है, उसका आपको क्षेत्रफल से घिरे क्षेत्रफल को, उसमें पहला पॉइंट है अगर एक्स अक्ष के परितः घुमाया जाए तब उसका आयतन क्या होगा। तो ए का पहला पार्ट है कि अगर कोई फलन है वाई बराबर एफ एक्स है, एक्स अक्ष पे है और उसकी सीमा है ए तथा बी उससे घिरा हुआ है, अगर उसको एक्स अक्ष के परितः घुमा दिया जाए तो जनित ठोस का आयतन हमारा भी हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर जब उन्हें एक्स अक्ष के परितः घुमाया तो यहाँ पर हमारा डी एक्स हुआ, तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट हुई एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी हो जाएगी। अब सपोज करिए कि अगर यहीं वाई एच के परितः होता तो उसकी लिमिट कुछ और होती, अगर वाई एच के परितः होता मतलब वाई बराबर के परितः अगर होता इसका मतलब एक्स बराबर एफ वाई के रूप में होता वाई एच पे होता, तब यहाँ पर जहाँ पर एक्स बराबर ए है यहाँ पर वाई बराबर ए हो जाता और एक्स बराबर बी है तो वाई बराबर बी हो जाता, तब ये हमारा आयतन क्या हो जाता, तो हमारा आयतन तब भी बराबर पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाता। आगे देखेंगे उसको, तो हमारा भी जो हो गया एक्स अक्ष पर ए से बी सीमा से घिरा हुआ हो तो उस दशा में हमारा जो भी हो जाएगा भी बराबर मतलब आयतन भी बराबर पाई इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, और वक्रपृष्ठ जिसको हम एस डिनोट करते हैं इसका सूत्र हो जाएगा टू पाई
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एस। अब हम पहले पढ़ चुके हैं वक्र वाले में, वक्र की लंबाई में, चाप की लंबाई में जो डी एस का मान होता है अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? डी एस अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये होता है, इंटू डी एक्स होता है। ठीक, तो आयतन भी हो गया पाई इंटू ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, और वक्र पीस डी एस हो गया टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एस, या टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एस। तो वाई तो जो क्यों रहेगा डी एस अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट देखिए, पहला एक्स एच के समानांतरित अच्छा एक्स एच परिपथ घुमाया गया था, दूसरा एक्स एच के समांतर घुमाया जा रहा है। तो वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तब जो ठोस बनेगा उसका जो आयतन हो जाएगा वाई में से यहाँ पे के घट जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई माइनस के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और एस बराबर आपको पता है क्या, टू पाई ए टू बी वाई डी एस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई माइनस के डी एस। अब फिर ध्यान दीजिए डी एस या एस बराबर हो जाएगा टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई माइनस के अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बी पार्ट है कि अगर एक्स बराबर एफ वाई, ए पार्ट में हमने देखा कि वाई बराबर एफ एक्स था, बी पार्ट में देख रहे हैं एक्स बराबर एफ वाई, तब यहाँ पे वाई एच हो जाएगा। और सपोज करिए वाई जगह जो हमारी लिमिट है, जो सीमा है वाई बराबर सी था वाई बराबर डी है, तब उस क्षेत्रफल को अगर वाई एच के पर तक घुमाया जाए तब जो हमारा आयतन होगा, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वाई हो जाएगा, जहाँ पे वाई था वहाँ पे एक्स हो जाएगा। मतलब भी बराबर पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई। और वक्रपीठ की बात करें तो वक्रपीठ एस बराबर हो जाएगा टू पाई सी टू डी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे डी एस क्या हो जाएगा, वन प्लस डी एक्स अपान डी वाई होल स्क्वायर अंडर रूट में इंटू डी वाई, क्योंकि यहाँ वाई एच के पर तक घुमाया जा रहा है, इसके पहले किसमें किसके पर तक घुमाया जा रहा था, एक्स एच के पर तक घुमाया जा रहा था। बात समझ आई? तब उसी तरह से फिर इसका डी एस भी देख लिया जाए, एस भी देख लिया जाए, वक्रपीठ देख लिया जाए, तो वक्रपीठ एस बराबर हो जाएगा टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस डी एक्स पान डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब बी का सेकेंड पार्ट है कि अगर वाई एच के समांतर एक्स बराबर एच, ठीक पहले पर बोला एक की तरह है, एक्स एच के समांतर वाई बराबर के था, यहाँ पर क्या कर रहा है वाई एच के समांतर एक्स बराबर एच है, उसके अगर परिपथ घुमाया जाए तब का आयतन क्या हो जाएगा, अरे एक्स में सी एच घट जाएगा, तो आयतन भी बराबर हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी वाई। और वक्रपीठ एस बराबर हो जाएगा टू पाई सी टू डी एक्स माइनस एच डी एस, या ये बराबर हो जाएगा एस बराबर टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स माइनस एच, और डी एस जगह वही है अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपान डी वाई का होल स्क्वायर। डी एक्स प्लस डी वाई क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई एच के समांतर है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे जो वक्रपीठ एस होगा टू पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स माइनस एच अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपान डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। इस तरह से ये सूत्र हमारे हो गए आयतन वक्रपीठ दोनों निकालने का। जब एक्स एच के परिपथ घुमाया जाएगा तब ठोस का आयतन भी बराबर पाई इंटू ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और जब एक्स एच के समांतर घुमाया जाएगा वाई बराबर के हो जाएगा, तो वाई में से के को घटा देंगे। उसी तरह से वाई एच के परिपथ घुमाया जाएगा तो पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई, और वक्रपीठ एस हो जाएगा टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स डी एक्स रूप में हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं डी एस बराबर होता है अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपान डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई होता है। तो ये हमारे सूत्र हो गए, सूत्र को आप देखें, हमने देखा यहाँ पे पहले, अभी हमने जो शुरुआत की यहाँ पे तो हमने डिफिनेशन दिया, फिर गोले का डिफिनेशन दिया, फिर शंकु का दिया, बेलन का दिया, शंकु का छिन्नक मतलब कटा हुआ भाग, गोले का कटा हुआ भाग और गोलीखंड, ये हमने चार डिफिनेशन दी। उसके बाद फिर आयतन और वक्रपीठ सूत्र सीख हमने निकाला। अब आप सोचेंगे यहाँ पे गोले का, बेलन का, शंकु का, इस सब का आयतन हम ऐसे ही निकालेंगे? हाँ, तो सूत्र एक ही है, सूत्र यही है
बस उसमें गोला है तो गोले की प्रॉपर्टी के अनुसार, शंकु है शंकु प्रॉपर्टी के अनुसार सूत्र लगेंगे। क्लियर हो जा रहा है? अभी हम लेके चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे बेलन शंकु और गोले के आयतन एवं वक्र पृष्ठ निकालना। तो 2013 में पूछा था कि बेलन का किसी दिए गए बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ निकालिए। चलिए मान लेते हैं कि ए बी ई एफ आपका फिगर देखिए, ए बी ई एफ आपका एक गोला है, बेलन है, क्या है ए बी ई और एफ एक बेलन है। बेलन की ऊंचाई चाहे बेलन की ऊंचाई मतलब डी से सी, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये हमारी सी है, और त्रिज्या वाई बराबर जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी आर है, मतलब वाई अक्ष पे आर है और एक्स अक्ष पे हमारी ऊंचाई एच है। ठीक, चलिए चित्र में हमने ओ को हमने मूल बिंदु मान लिया है 0 0, तथा ओ और डी हमारा ओ से डी के जो बीच की दूरी है, यहाँ पे यार गलत है, ओ से डी के बीच की दूरी हमारा यार ए है, तथा ओ से सी के बीच की दूरी देखिए यहाँ से ओ से डी हमारा क्या है ए है, और डी से सी क्या है एच है, तो ओ से सी क्या हो जाएगा ए प्लस एच, और सी का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा ए प्लस एच इंटू, और बी क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा ए इंटू ए जीरो। डी क्वाड्रेंट ए जीरो क्यों होगा, क्योंकि डी पॉइंट पे डी पॉइंट एक्स अक्ष से ए दूरी पे है, जबकि वाई एक्स पे कितना है जीरो है। उसी तरह से सी पॉइंट सिर्फ एक्स अक्ष पे है, तो ओ से सी के बीच की दूरी कितना होगा ए प्लस एच, वाई है ही नहीं, वाई जीरो भी है एक्स एच पे ही है, तो इसलिए सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया ए प्लस एच कामा जीरो। मान लिया कि यह बेलन रेखाखंड ए बी, ए और बी जो है एक्स एच के पड़ता घुमाने पर जो है प्राप्त होता है। अब रेखा ए बी एक्स एच के समांतर है, देख रहे हैं, और इसका प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है आर दूरी पे है, मतलब डी टू ए भी आर दूरी पे है, सी टू बी सी बी भी आर दूरी पे है। अतः अब आ जाइए कि ए तथा बी, देखिए डी का जो कोऑर्डिनेट हुआ ए जीरो हुआ, सी का हुआ ए प्लस एस जीरो हुआ, लेकिन ए का कोऑर्डिनेट तो डी और ए के बीच की दूरी कितना है आर है, इसलिए एक क्वाड्रेंट क्या हुआ ए आर, और बी क्या हुआ ए प्लस एच आर हो गया, और वाई बराबर कितना है आर, तो डी ए किस एच पे है वाई एच पे है ना, बी सी भी वाई एच पे है, तो वाई बराबर आपका क्या हो गया आर। तो अब आ जाइए बेलन का आयतन निकाला जाए। बेलन का आयतन क्या होता है, पहले तो आप सूत्र देख लीजिए, बेलन का जो आयतन है किसी चीज़ का जो आयतन है, बेलन के आयतन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमने बोला ना चाहे बेलन का आयतन हो चाहे शंकु का आयतन हो सारे फार्मूले एक ही लगने हैं, क्योंकि आयतन होता है भी बराबर पाई इंटू ए टू बी एक्स स्क्वायर वाई, ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, यही तो होता है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर लोअर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी लोअर लिमिट की शुरुआत कहाँ से हो रही है ए से, और कहाँ पर जा रहा है ए प्लस एच, तब डी एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसका जो लिमिट हम एक्स बराबर ए और एक्स बराबर ए प्लस एच ही लेंगे। अब जब डी वाई के मतलब वाई एक्स के परिपत्र अगर होता तब आर और आर लेते। ठीक, तो चलिए तो बेलन का आयतन बराबर इंटीग्रेशन आप एक्स बराबर ए से ए प्लस एच पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब चूंकि पाई क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और y बराबर कितना है हमारा r है, तो हो गया पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a टू a प्लस h r स्क्वायर dx, क्योंकि y बराबर कितना है r स्क्वायर। अब देखिए r क्या है आपका,
त्रिज्या है जो कि क्योंकि डीएक्स डीएस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर आपका कम हो जाएगा, और एक्स क्या हो, डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स का जब इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हुआ तो उसकी लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट ए प्लस एच है। एक बार एक्स ए प्लस एच रख दीजिए और एक बार एक्स ए रख के घटा दीजिए, तो ये हमारा हो गया ए प्लस एच माइनस ए, ए और माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, एच बचेगा। तो जो बेलन का आयतन हमें मिल गया वो मिल गया पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रा। ठीक, अब बेलन के वक्रपृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। हमको पता है कि वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी टू पाई बाई डी एस होता है, यही होता है ना। तो टू पाई, अब वाई की बात करें, वाई बराबर कितना है यहाँ पे, आर है, तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी वाई बाई डी एस। क्यों कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें डी एस का भी मान निकालना है, और डी एस का मान होता है अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वाई बराबर आर है, तो हमें डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एस बराबर कितना हो गया, आर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए डी एस हमारा हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एस हमारा जीरो है, तो अंडर रूट वन प्लस जीरो इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा, डी एक्स, डी एस बराबर कितना आ जाएगा, डी एक्स। अतः बेलन का जो हमारा वक्रपृष्ठ हो जाएगा टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस एच आर, चूँकि टू पाई हमने बाहर ले ही लिया है, वाई कितना का मान हमारा आर है, देखिए वाई का मान हमारा कितना है, आर है, तो हमने रख दिया, और डी एस की जगह हमने उठा के क्या रख दिया, अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना है, जीरो है। अरे ये हमने निकाला ही है, डी एस का मान कितना आया हमारा, डी एक्स आया है, तो ये हो गया ये बराबर टू पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ फ्राम ए टू ए प्लस एच डी एक्स, डी एक्स का एक्स हो गया, हमने लिमिट रख दिया, फिर वहीं पुरानी कहानी हो गई। तो बेलन का ये पृष्ठ हो गया, ध्यान रखिए टू पाई आर एच, ये बेलन का पृष्ठ हुआ। लेकिन जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, बेलन के वक्रपृष्ठ में बेलन का आधार दो है ना, जब देखते हैं आप पेन का जो डिब्बा है, एक ऊपर भी गोला रहता है नीचे भी गोला है, तो उसके बेस कितना हुआ, दो हुआ, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, उसका जो आधार है क्या है? गोला है ना, क्या वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ टू पाई आर एच अभी आप निकाला है, और प्लस बेलन के आधार क्षेत्रफल दो आधार हैं तो टू पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली बेलन का जो संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है टू पाई आर आर प्लस एच वर्ग मात्रक होता है, लेकिन बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है टू पाई आर एच होता है। बात समझ में आ गई, बेलन का कैसे निकालते हैं। अब शंकु का आयतन एवं पृष्ठ की बात करें, ये 2010 में पूछा है। आप शंकु देख लिए, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया है, वो हमारा क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु है, वो हमारा मूल बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब ओ से ए एक रेखा है, ठीक है, और ओ से सी एक रेखा है, और सी से ए की दूरी कितना है, आर है। तो एक त्रिभुज को ओ ए सी को अगर एक्स के परितज घुमा दिया जाए, चारों तरफ घुमा दिया जाए, तो हमारा शंकु बन जाएगा ए ओ बी, ठीक। ओ से सी की दूरी हमारी देख रहे कितनी है, ये एच है। ओ से जो ए की दूरी है हमारी, ए से सी की दूरी हमारी कितनी है, आर है। तो ओ से सी की दूरी हमारी एच है, ए से सी की आर है, तो ओ सी क्या हो जाएगा, अरे ओ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं ओ ए को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। एल स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तिर्यक बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी फिर हम समझाएंगे, हमने इसको पहले ये बताया। अब उसी ओ और ए बिंदु पर कोई पॉइंट हम पी ले रहे हैं एक्स वाई,
ठीक। चलिए तो आप शंकु समझ गए ना कैसे बना। अब आइए क्वेश्चन पे। मान लिया शंकु का सिद्ध मूल बिंदु ओ है, बता दिया एक्स अक्ष पे है, आधार की त्रिज्या बता दिया। एक चीज़ और, यहाँ पे जो कोण है आपका ए ओ सी कितना है, अल्फा है। ठीक, अभी बताया चीज से स्पष्ट है, ए सी हमारा आर है, ओ सी हमारा एच है, ओ ए बताया अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओ ए मतलब कितना, वो ये जो हमारा है वो तिर्यक ऊंचाई है जिसको बोलते हैं यल, क्योंकि यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या यल बराबर कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहीं हमने बताया कि त्रिभुज ओ ओ सी को ओ सी के अगर परिधि घुमा दिया जाए तो अभी हमारा क्या बन गया था, शंकु बन गया था। अब उसी शंकु पे कोई बिंदु पी एक्स वाई लिया, अभी हमने बताया आपको, हम इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्स वाई लिया, और भुजा OA पर कोई बिंदु है, मान ले पी OA पर हमने कोई बिंदु पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हमारा AOC जो हमने बताया क्या है, अल्फा है। तो जनरेटिंग जो कर्व है OA का जो समीकरण होगा O और A त्रिज्या ऊंचाई है, समीकरण हो जाएगा y बराबर x tan अल्फा हो जाएगा। अब टेन अल्फा यहाँ देखा जाता होगा लंबटे आधार आर बाई एच, मतलब वाई बराबर एक्स टेन अल्फा एक्स इंटू आर बाई एच, और यहाँ से चूंकि हमें पता है कि टेन अल्फा बराबर होता है ए सी अपान ओ सी, लंबटे आधार होता है आर बाई एच होता है, तो वाई बराबर हमारा हो गया एक्स टेन अल्फा, और टेन अल्फा बराबर हो गया आर बाई एच, तो वाई बराबर फाइनली क्या हो गया आर एक्स इंटू आर अपान एच। अब शंकु का आयतन की बात करें तो क्या होता है, शंकु आयतन ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ए है हमारा लोअर लिमिट जीरो, और बी हमारा एच है, शंकु का आयतन हो जाएगा एक्स बराबर जीरो टू एच पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई बराबर या ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन आप जीरो टू एच पाई, वाई बराबर कितना एक्स टेन अल्फा है, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब टेन स्क्वायर अल्फा आपने क्या निकाला है, आर बाई एच, आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, अब देखिए पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, तो जीरो टू एच हो गया। अब एक बार एक्स की जगह एच रख दीजिए, एक बार जीरो रख के घटा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा आ जाएगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, ये हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, एक बटे तीन शंकु के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ये पूछा गया है। अब वह प्रश्न भी पहले देख लेते हैं, अब यहाँ देख लीजिए चूँकि y बराबर कितना है हम निकाले हैं आर एच अपान एक्स, और dy वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें क्यों वक्पृष्ठ भी तो निकालना है, वक्पृष्ठ में हमें डी एस जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी शंकु का किसी भी बेलन का अगर हमको किसी गोले अगर वक्पृष्ठ निकालना रहता है तो टू पाई ए टू बी वाई डी एस होता है, तो डी एस क्या होता है अंडर रूट वन प्लस dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, तो इसीलिए हम dy वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो y बराबर आर बाई एच इंटू एक्स है, आर बाई एच कामन है, आर बाई एच आपका क्या है कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो एक्स कितना वन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया आर बाई एच। अब डी एस निकाल लीजिए तो अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट वन प्लस आर पान एच का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, नहीं ना, इसको हमने सॉल्व किया तो डी एस बराबर आ गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पान एच इंटू डी एस। अब देखिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये तिरेक ऊंचाई है जो हमारा यल था, तो उसकी हमने क्या रख दिया यल अपान एच, इसका मतलब डी एस हमारा हो गया
डीएस बराबर एल अपान एच इंटू डीएक्स। अब शंकु का हम वक्रपृष्ठ निकाल लें तो 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एच वाई डीएस, वाई बराबर कितना है आर वाई एच इंटू एक्स, और डीएस कितना है डीएस क्या निकाला आपने, एल अपान एच इंटू डीएक्स। अब आप इसको कर दीजिए, 2 पाई बिल्कुल बाहर था, आर एल और एच कॉमन है तो आर इंटू एल अपान एच स्क्वायर, ये बराबर हो गया 2 पाई आर एल ऊपर और एच स्क्वायर नीचे। अब इंटीग्रेशन आप एच बराबर 0 टू एच एक्स डी एक्स, अब एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक बार एक्स जगह एच और एक्स जगह 0 रख के कटा दीजिए और फाइनली हमारा हो गया शंकु का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एल अपान एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 2। तो यह एच स्क्वायर से कट गया, दो दो से कट गया, तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ यस हो जाएगा पाई आर एल वर्ग इकाई। ये शंकु का वक्रपृष्ठ हम निकाल रहे हैं लेकिन संपूर्ण शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, तो जो वक्रपृष्ठ है उसमें आधार क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए। देखिए बेलन में भी आपने क्या किया था, उसके वक्रपृष्ठ में आधार क्षेत्रफल जोड़ दिया, उसमें आधार दो थे, एक ऊपर था एक नीचे था, ऊपर का भी गोला था हाँ सर्किल था पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा था। अब यहाँ पे आधार कितना है, एक ही वृत्त बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर, तो वक्रपृष्ठ पाई आर एल है, आधार क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर है। तो ये हमारा हो गया शंकु का संपूर्ण जो पृष्ठ हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल वर्ग इकाई। अभी हम देख लेते हैं गोले का, ये 2009-2014 में पूछा था कि किसी गोले का आयतन एवं वक्रपृष्ठ निकालिए। तो जब भी किसी अर्धवृत्त को, मान लीजिए कोई अर्धवृत्त आपका कौन सा है एबीसी है, अर्धवृत्त है जिसका एक पॉइंट बी और सी है, इसको अगर एक्स अक्ष के परतल पर घुमा दिया जाए जिसकी त्रिज्या हमारी ओ से ए या ओ से बी या ओ से सी हमारी ए है, व्यास हमारा ए सी है आप देख ही रहे हैं, अगर इसको एक्स अक्ष के परतल ए सी के परतल अगर घुमा दिया जाए तो गोले का निर्माण होता है। अब यहाँ आप देखिए वृत्त के केंद्र को मूल बिंदु ओ कहेंगे, ए सी को व्यास कहेंगे, एक्स अक्ष के अंतर लेने पर वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के परतल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से निकाल लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स और वाई का मान अगर हम निकाल लें सॉल्व कर दें, एक बार एक्स बराबर जीरो एक बार वाई बराबर जीरो रखें, तो हमारा जो निर्देशांक हो जाएगा एक हो जाएगा माइनस ए जीरो और ए जीरो, तो ए का जो निर्देशांक होगा माइनस ए जीरो होगा और जो सीख होगा ए जीरो होगा। ठीक, अब गोले का आयतन, आयतन फार्मूला वही है वी बराबर ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं इसलिए हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट रखेंगे माइनस ए टू ए रखेंगे, तो हमारा हो गया पाई आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा माइनस ए टू ए डी एक्स का इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है 2 पाई 0 टू ए डी एक्स। तो ये हो गया हमारा गोले का आयतन भी बराबर 2 पाई 0 टू ए वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई स्क्वायर क्या है हमारा वाई स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जगह हमने रख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया चूँकि 2 पाई बाहर है 0 टू ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट ए है, मान रख दिया जहाँ जहाँ एक्स है एक बार ए रखा, जहाँ जहाँ फिर एक्स है एक बार जीरो रखा, तो हमने मान रखा, मान रखने के बाद ये हो गया हमारा यहाँ भी मान रखा, इसके बाद यहाँ पे आ गए ये बराबर 2 पाई ए क्यूब माइनस 1 बाई 3 ए क्यूब, ए क्यूब हम ले लिए कॉमन और उसको सॉल्व कर लिया 2 पाई इंटू 2 बाई 3 ए क्यूब। इसी तरह से हमारा जो गोले का आयतन मिल गया 4 बाई 3
पाई स्क्वायर पाई ए क्यूब, जहाँ ये गोले की त्रिज्या है। ये तो हमारा क्या हो गया, गोले का आयतन हो गया। वर्कपीस भी तो निकालना है इसका, मतलब यस निकाल लेते हैं, चूँकि वाई बराबर यहाँ से हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारा डी वाई बाई डी एस, डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैं क्या मिल रहा है, टू एक्स टू वाई डी वाई बाई डी एस बराबर कितना जीरो, या डी वाई बाई डी एस कितना हो जाएगा एक्स अपान वाई। तो वर्कपीस हमारा क्या होता है, ए टू बी टू पाई वाई डी एस होता है ना, डी एस बराबर क्या होता है अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, और डी वाई बाई डी एक्स कितना एक्स अपान वाई है। तो ये बराबर हो गया वर्कपीस टू टाइम्स जीरो टू ए टू पाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, या अंडर रूट के अंदर के अगर हम सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई, तो वाई हमारा बाहर हो जाएगा। बाहर भी एक वाई है, हर में बाहर वाई, और यहाँ पे हर में अंश में भी वाई है और हर में वाई कट जाएगा। तो यहाँ पर देख लिया जाए, या ये बराबर फोर पाई जीरो टू ए वाई अपन वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वाई कट गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात अगर हम करें तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो यही बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम ए रख दें तो हमारा मिल गया क्या, ये डी एक्स बराबर ये वर्कपीस एस बराबर मिल गया फोर पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए डी एक्स। अभी हमारा क्या है काम है, देखिए इसे यहाँ से हमने ए निकाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सिर्फ डी एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स का जीरो से ए निकाल दीजिए लिमिट में तो ए माइनस कितना हो जाएगा जीरो। तो गोले का जो वर्कपीस हुआ फोर पाई ए स्क्वायर हुआ, मतलब गोले का जो वर्कपीस हो गया फोर पाई ए स्क्वायर हो गया। अब चूंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ और वर्कपीस दोनों एक ही है, क्योंकि इसमें कोई अलग से आधार नहीं है, बेस नहीं है, क्योंकि तो बेलन में बेलन किस तरह का होता है, एक बिल्कुल पेंट का डिब्बा होता है उसमें दो आधार ऊपर भी नीचे भी, शंकु में एक लट्टू होता है जिसके एक नीचे आधार होता है, लेकिन गोले में कोई आधार नहीं है। इस तरह से आपने देखा गोले का वक्पृष्ठ देखा, गोले का आयतन देखा, गोले का वक्पृष्ठ गोले का आयतन देखा आपने, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009-2014 में। उसके पहले फिर आपने शंकु का आयतन देखा, शंकु का पृष्ठ देखा, शंकु का वक्पृष्ठ देखा, ये पूछा गया था आपका 2010 में। बेलन का देखा आपने, ये 2013 में पूछा था, और इधर आपने हमने आपको सूत्र दिखा दिया था। इस तरह से हमारा ये लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, तीसरा लेक्चर था एप्लीकेशन का, इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग का तीसरा लेक्चर था ये, और लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो गोले का वक्पृष्ठ हमने देख लिया, गोले का आयतन देख लिया, तो हमारा ये लेक्चर ही समाप्त होता है। अगला लेक्चर चार, ये तीन था, अगला लेक्चर चार हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।